Hi and welcome to I Design My Life. I'm Sumit and I'm a life and a business coach. आज continue करेंगे अपना discussion और आज हम बात करेंगे pricing strategies पे कि भाई हम pricing के level पे क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी growth आ सकती है। तो अब तक बता दे तो हमने क्या-क्या cover किया। हम लोगों ने marketing lever की बात करी थी, हम लोगों ने sales lever की बात करी थी, आज हम pricing lever पे आ रहे हैं, strategy number 3। So pricing lever में क्या-क्या चीजें होती हैं? प्राइसिंग लीवर पे तीन तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप अपना जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसके दाम बढ़ा दो, यानी कि प्राइस बढ़ा दो, या कुछ अपसेल कर दो। अपसेल मतलब कि भाई आदमी आपके पास 10 रुपए की चीज़ खरीदने आया, आपने किसी तरीके से उसे 15 रुपए की चीज़ बेच दी। थर्ड लेवल पे क्या कर सकते हो, क्रॉस सेल कर सकते हो कि भाई आदमी एक चीज़ खरीदने आया, उसके साथ की आपने सप्लीमेंट्री चीज़ देखी और वो चीज़ भी उसके साथ दे दी। तो इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, फिर देख लेते हैं। भाई सबसे पहली जो चीज़ होती है वो प्राइस हाई कर दो। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से मार्केट में है। भाई अगर आप एप्पल जैसी कंपनी है तब तो आप कर सकते हैं, भाई आपने नए फीचर डाले और अपना प्राइस हाइक कर दिया। पर मुझे नहीं लगता कि सारे बिजनेस ये वाला काम कर पाएंगे, तो ये वाली चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप ये वाली चीज़ नहीं कर सकते ना करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप के लिए एकदम आउट ऑफ रीच है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे एक क्लाइंट थे, उनकी अपनी कंपनी थी, वो सॉफ्टवेयर बेचते थे। तो क्या करते थे, छोटे छोटे लेवल के सॉफ्टवेयर बेचते थे जिसकी ज़्यादा कीमत नहीं होती थी। उनकी जो कीमत होती थी वो ऐसी 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, तो उनकी प्राइसिंग ये थी। अब जितनी मेहनत उन्हें ये काम करने में लगती थी उतनी मेहनत से वो ज़्यादा काम भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, यार आप 5,000 वाले क्लाइंट को क्यों बेच रहे हो? क्या आपका कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है जिसे आप 30,000-35,000 की सर्विस बेच सकते हो? बोला हाँ हो सकते हैं। तो हमने फिर वही वाली चीज़ करी कि यार ये छोटी लड़ाई नहीं लड़ते, बड़ी लड़ाई पे पहुँचते हैं जहाँ पे कम लोगों से लड़ना पड़े। तो हमने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिया। मतलब हम एक्चुअली दूसरे सेगमेंट में पहुँच गए, तो हमने उनका सेगमेंट ही रीडिफाइन कर दिया। जब सेगमेंट रीडिफाइन हुआ उससे फ़र्क पड़ गया, क्योंकि प्रिंसिपल सेम थे, उन्हें कुछ चीज़ें फाइन ट्यून करनी थी। सेल्स की टीम फाइन ट्यून करनी पड़ी, कुछ अच्छे अच्छे सेल्स के लड़के लाने पड़े, उनकी अच्छी सी ट्रेनिंग करनी पड़ी, अच्छी मैसेजिंग बनानी पड़ी, थोड़ी सी ब्रांडिंग करनी पड़ी और वो वहाँ पे पहुँच गए। ये प्राइसिंग थी, या प्राइस बढ़ा देते, ये छोटी लड़ाई नहीं लड़ते, बड़ी लड़ाई लड़ लेते। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे बिजनेस ओनर भाई लोग होते हैं वो उतनी मेहनत कर रहे होते हैं और छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, 1,000 लोगों से लड़ रहे होते हैं। कोशिश करिए अपने आप से पूछ के कहाँ पे जाके मैं कंपीट कर सकता हूँ जहाँ कम लोग लड़ रहे हैं। वहाँ पे आपको एक बार क्रैक मारना पड़ता है वो वाला बैटल, लेकिन अगर आप उस जगह पे एक बार जीत जाते हो तो आपकी लड़ाई बहुत आसान, उतनी मेहनत में आप ज़्यादा रेवेन्यू कमाना शुरू कर देते हो। तो एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। सेकेंड लेवल पे अपसेल। अपसेल का क्या मतलब है, भाई आप मैकडोनल्ड पे गए होंगे, मैकडोनल्ड पे आप उससे कहते हो भाई एक वेज बर्गर दे दो, तो आपसे पूछता है सर क्या फ्रेंच फ्राइज लेंगे या मील लेंगे, ये क्या है, अपसेल है। अब वो उसे दिखाते कैसे हैं, भाई वेज बर्गर का प्राइस होगा 20 रुपये, कोक जो मिलेगी वहाँ पे उसका प्राइस होगा 15 रुपये, हो गए 35 रुपये, और जो फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे वो होगा 20 रुपये, तो आपके हो गए 55 रुपये। अब वो आपसे कहेंगे ये जो मील है ना सर ये 30 रुपये का है, तो आप सोचोगे आप 55 की चीज़ 30 में मिल रही है तो सस्ता सो रहा है। लेकिन दिमाग से सोचो, आप वहाँ पे उस समय सिर्फ 20 ही रुपये खर्च करने गए थे, लेकिन मैकडोनल्ड वाले ने आपसे 30 रुपये ले लिए, 50% से आपसे ज़्यादा रेवेन्यू कमा लिया उन्होंने। इसे क्या कहते हैं, अपसेल कहते हैं। इस तरह की बहुत तरकीबें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए 3 बॉटल रखी हुई हैं, एक बॉटल है 10 रुपये की, एक बॉटल है 30 रुपये की और एक बॉटल है 90 रुपये की। मैं चाहता हूँ कि आप 30 रुपये वाली बॉटल खरीदें, तो क्या होता है, मैंने जब वहाँ पर 90 की बॉटल रखी तो जब आपका दिमाग काम करेगा, यार ये 90 वाली तो बहुत महंगी है, ये 30 की रीजनेबल लग रही है, ये सही लग रही है, 30 की खरीद लेता हूँ। तो क्या करा, आपकी साइक के साथ काम करा, आप 10 रुपए की बोतल खरीदने आए थे लेकिन 30 की खरीद के चले गए, ये अपसेलिंग होती है। तो आपको ये सोचना है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस में क्या कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हो, उसका नेक्स्ट वर्जन बना सकते हो, जो आप लोगों को दे सकते हो, जिसमें उनकी ज़्यादा मदद हो सकती है, उन्हें ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है। तो हमेशा की तरह इस चीज़ के लिए मैंने आपके क्वेश्चन छोड़े हैं कुछ डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करिए और उसमें वाला काम करिए, आपकी मदद होगी। हमारे बहुत सारे दर्शक
मोबाइल पर ये वीडियो देखते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएंगे जिससे आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस जगह पर क्लिक करिए और डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप के बिजनेस कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं आपके साथ बहुत क्लोजली काम करता हूँ और ये पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी है। इसमें आप अपने क्वेश्चन ला सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपके उन क्वेश्चनों को वहाँ पे आंसर कर सकूँ। मैं इस कम्युनिटी में डेली लेवल पे वीडियो भी बना के डालता हूँ जिससे बहुत सारे लोग बेनिफिटेड होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ, वो होता है क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का क्या मतलब होता है? आप स्टारबक्स में गए होंगे, स्टारबक्स में जैसे आप कॉफ़ी लेते हैं, कहता सर वुड यू लाइक टू ईट समथिंग एल्स, क्या आप कुछ और लेना चाहेंगे? आपको मैं बताता हूँ, रिसर्च ने बताया ये जो हाथ के है ना ऐसे करके, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? पता नहीं क्या होता, आपकी गर्दन खाने की तरफ घूमती है एंड यू पिक समथिंग अप। इससे उनका 60-70% का रेवेन्यू बढ़ गया था सिर्फ इस वाले काम से। अगर मैं हाथ ना रखूं और कहूं सर कुछ लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा सर कुछ लेंगे, सर वहाँ पर घूमता है, खाने से आपका स्टिमुलस आता है, आपको नहीं लेना होता आप तब भी ले लेते हैं। दिस इज क्रॉस सेलिंग। इसके लिए क्या करना होता है, अगर आपको ये अपने लेवल पे अप्लाई करनी है तो आपको क्या देखना होगा, भाई मेरे कोई सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं क्या? आपको बहुत ही लोकल एग्जांपल देता हूँ, भाई आपके वो जो ठेले आते थे सब्जी के, तो उसमें क्या होता था, वो आपको कुछ सब्जी देता था साथ में धनिया फ्री दे देता था। जो मेरी मम्मी थी वो सिर्फ उस ठेले वाले से इसलिए सामान खरीद लेती थी क्योंकि वो धनिया और मिर्च फ्री दे देता था, राइट? दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रॉस सेल। कस्टमर एक्विजिशन भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो इस वाली चीज़ को समझिए कि आपका जो कस्टमर आ रहा है उसके लिए आप कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं और जिससे कि आपकी रेवेन्यू प्राइस के बेसिस पे आप उससे ज़्यादा ले सकें और उसे ज़्यादा वैल्यू दे सकें। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो हम एक प्रोग्राम भी रन करते हैं जिसे हम ग्रो योर बिजनेस 5x कहते हैं। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है 3 महीने का जिसमें हम आपके साथ आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं। इस प्रोग्राम में देश के कोने कोने से बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, उनके पास सोचने का तरीका नहीं होता है, उनके पास सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क नहीं होता है जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें और उस हाइट्स पर ले जाएं जो वो चाहते हैं। कोई भी बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सोच की ज़रूरत होती है, स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है, प्रोसेस की ज़रूरत होती है और पीपल की ज़रूरत होती है। आप जब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को वो ग्रोथ दे सकते हैं जो आपने चाही है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अपनी पुरानी कंपनी को हमने 0 से 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी 4 साल में बिना किसी फंडिंग के। और मैं बहुत सारी कंपनियों के साथ उनके बिजनेस कोच की तरह काम करता हूँ जिसमें मैं उनकी मदद करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिए, आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। आपको इस प्रोग्राम में वो सारे फ्रेमवर्क्स, प्रोसेसेस और लर्निंग मिलेंगे जिसे हमने यूज़ करके अपनी कंपनी को 250 करोड़ तक पहुँचाया था। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को भर दीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स आपको रीच आउट कर लेंगे और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे। फिर से समराइज़ करता हूँ इस सेशन को। प्राइस के लीवर पे काम करना होता है तो 3 चीज़ें मेन होती हैं। प्राइस बढ़ा दीजिए, उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया, हो सकता है आप नेक्स्ट अलग सेगमेंट चुन लें। सेकंड लेवल पे अपसेल देखिए कैसे कर सकते हैं, नए वर्जन ला सकते हैं। क्रॉस सेल देखिए कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जिससे आप और वैल्यू ऐड करके दे दें अपने कस्टमर को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी एक कम्युनिटी भी है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कमेंट जरूर करिए ताकि हमें पता चले कि आपको चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं, ताकि हम प्रोत्साहित हों, एनकरेज हों इस तरीके से और वीडियो बनाने के लिए। तो हमेशा की तरह अपने आप से बोलिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड आई डिज़ाइन माई लाइफ।